तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी खबर, आरजेडी सौंप सकती है समर्थन वापसी की चिट्ठी, राज्यपाल को सौंप सकती है समर्थन वापसी की चिट्ठी और आत्मसम्मान बचाने को लेकर फैसला लेगी आरजेडी। फिलहाल जो बैठक है वो की जा रही है आरजेडी की ओर से, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी सौंप सकती है समर्थन वापसी की चिट्ठी, राज्यपाल को सौंप सकती है समर्थन वापसी की चिट्ठी, आत्मसम्मान बचाने को लेकर फैसला लेगी आरजेडी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, समर्थन वापसी की चिट्ठी यदि सौंप सकती है तो इधर से भी तैयारी है, अंदर खाने हर पहलुओं पे पूरे तौर पे पुख्ता जो है रणनीति तैयार कर ली गई है और जो प्रस्ताव पास करके जो विधायकों का हस्ताक्षर के साथ जो समर्थन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक के बाद जो सौंपना है, अंदर खाने की जो बात है वो पहले भी सौंपा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस प्रपत्र को लेकर, समर्थन पत्र को लेकर राजभवन जाकर न जाकर पहले भी उसे किसी के द्वारा वहाँ पहुँचाया जा सकता है कि ये सूची है और बाद में फिर राजभवन प्रोसीड किया जा सकता है। तो यानी यहाँ पे कोशिश है कि अगर वो कुछ अपने स्तर से चाल चलें उससे पहले बीजेपी और जेडीयू की तैयारी जो है वो भी पुख्ता है। तो अब ये देखना है कि बीजेपी आरजेडी की जो बैठक हो रही है उसमें किस तरीके से अंदर खाने चीजें हैं और किस तरीके से उनका एक्ट होता है। आरजेडी भी अपने स्तर से कोई ऐसी संभावना जो है वो छोड़ना नहीं चाह रही है। जो मौजूदा राजनीतिक एक जो परिस्थितियां बनी हुई है उस परिस्थिति में क्या कुछ ऑप्शन हो सकता है, हर संभावित जो एक दृष्टिकोण है उस पर पैनी नजर है और उन्हीं संभावनाओं को टटोलने की कोशिश जो है न सिर्फ इस बैठक में, इससे पहले भी जो जितने थिंक टैंक है दिमाग लगाए गए हैं, फोन किया गया है, बात विचार की गई है और उसी को रेक्टिफाई करने को लेकर और उसको जो कुछ ऐसा कहीं से कोई लीकेज है उसको पाटने को लेकर बीजेपी के स्तर से भी देखे हुए किस तरीके से नित्यानंद राय पहुंचे थे रात को जीतनराम मांझी के पास, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सम्राट चौधरी पहुंचे हैं उनके पास और दूसरे भी जो कुछ संभावनाएं हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। तो देखिए, राजनीति जो है सह और मात का खेल है और शतरंज की बिसात राजनीतिक जो है वो बिछी हुई है। एक छोटी सी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, राकेश सिंह प्रवक्ता है हमारे साथ यहाँ बीजेपी के, ये बताइए कि बैठक जो है कोर कमेटी भी चल रहा है, विधायक दल की भी बैठक है और पदाधिकारी भी बैठेंगे, तो जो निर्णय होना है वो तो सब कुछ हो गया है ना? देखिए, आज जो बैठक है शाम में 4 बजे से विधायक दल की बैठक है और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और बैठक के बाद बिहार में जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में जो चुनाव है उसके लेके महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी बिहार में जो सरकार चल रही है। स्थिरता लाने की जरूरत है, स्थिरता लाने की जरूरत है और उस स्थिरता में दरवाजे जो है वो खुल गए हैं बीजेपी के। देखिए, राजनीति में तो राजनीति परिस्थितियों का खेल है, राजनीति में जो ऐसी परिस्थिति होती है उसका निर्णय लिया जाता है और हमारे यहाँ पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व इस निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, निर्णय लेंगे और उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आज जो 4 बजे बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है, बहुत सारी तस्वीर साफ होने वाली है उस बैठक में। पत्र जो है वो भेज दिया जाएगा, लिखित रूप से सारा कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, इसके इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेंगे आगे करना क्या है, लेकिन 4 बजे की जो आज बैठक है उस बैठक के बाद बहुत सारे चीज साफ हो जाएंगे। जो धुंध है वो बहुत साफ होने वाले हैं। बिहार को स्थिर सरकार, मजबूत सरकार और एक ईमानदार सरकार देनी है। तो देखिए, राकेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता और प्रवक्ता का बयान यानी पार्टी का लाइन, पार्टी के लाइन से एक इंच आगे न पीछे, तो अब इससे समझा जा सकता है कि सारी तस्वीर जो है बैठक के बाद साफ होनी है। लेकिन अंदर खाने की बात है कि वो सारी तस्वीर जो है वो साफ हो गई है और जो कुछ वैधानिक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की पूरी कवायद जो है वो चल रही है। कोर कमेटी की बैठक जो है बीजेपी की वो हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे विधायक दल और जो पदाधिकारी है प्रदेश के उनकी बैठक होनी है। और इसके अलावा यदि आप देखें तो
तो कुछ शर्तें जो हैं वो रखी गई हैं जेडीयू के पाले में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज शाम तक वो क्लियर करना है और अब गेंद जो है अभी इनके पाले में है। हालांकि ये कुछ ऐसी बातें नहीं है, अंदर खाने जो स्वरूप होनी है सरकार की वो बातें हैं जिस पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुहर लगानी है और उसके बाद जो अंदर खाने की बात है कि तीन तीन विधायक दोनों ओर से जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये एक साथ इतने लोग जो हैं वो राजभवन में शपथ लेंगे और उसके बाद बाकी जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है वो बाद में शपथ जो है वो दिलाई जाएगी, उसमें कौन होंगे नहीं होंगे ये नाम तय होगा। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी के कोटे के जो नाम है वो अंतिम समय में सौंपे जाएंगे और साथ ही साथ जेडीयू के नाम जो है वो लगभग स्पष्ट है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो लिहाजा ये जो गतिविधियां हैं चल रही हैं और सबकी नज़र बिहार के मौजूदा जो राजनीतिक हालात है उस पर टिकी हुई है। एक छोर आरजेडी का, दूसरा बीजेपी और जेडीयू की बैठक जो है वो भी होनी है और उस बैठक में अंदर खाने कई निर्णय जो है वो लिए जाने हैं जिसमें बीजेपी की ओर से जो बातें रखी गई हैं उस पर भी तमाम एक तरीके से पार्टी के अंदर एक सहमति जो प्रक्रिया होती है संवैधानिक उस तरीके से वो ली जाएगी। जी चलिए रजनीश, इस बीच एक बड़ी खबर हम बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीएम आवास पहुंचे हैं तो हलचल लगातार तेज है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं देवेश चंद्र।